सरगुजा अंचल में बहुत सारे लोकगीत है, लोक नृत्य है, जिसमें से जो प्रमुख है वो है सैला नृत्य, और इसके अलावा जो है डंडा नृत्य जिसे कहते हैं, उसके अलावा घसिया बाजा एक बहुत प्रसिद्ध यहाँ की विधा है। घसिया बाजा कब किया जाता है और इसको इसमें कौन कौन से वाद्य प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से वेशभूषा रहते हैं और इसका अवसर क्या है, इस संबंध में हमारे सरगुजा के कला विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त मिस्टर जवाहर गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, ये जो घसिया बाजा है उसके संबंध में थोड़ा जानकारी दीजिए, और ये जो सरगुजा है उसके सांस्कृतिक जो विवरण है उसको देते हुए, सांस्कृतिक धरोहर है हमारा सरगुजा छत्तीसगढ़ का, उस पूरे सरगुजा के बारे में बताते हुए घसिया बाजा के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे सरगुजा जिला हमारा एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में है। यहाँ कई प्रकार की विधाएँ हैं, नृत्य हैं, गीत हैं, संगीत हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सैला है, सुवा है, कर्मा है, ददरिया है, बायर है, उसी सब विधाओं के अंतर्गत नृत्य के अंतर्गत एक घसिया नृत्य है, जो जिसको आज बदली हुई रूप में लोहाटी बाजा के नाम से जाना जाता है। घसिया नृत्य घसिया लोगों का एक जो विशेष जाति होते हैं सरगुजा जिले में, इनका एक परंपरागत नृत्य और आजीविका का साधन है, इसी से ये लोग अपना जीविका चलाते हैं। इस नृत्य में लोहाटी, डफला, सहनाई, टिमकी, झाल, मजीरा इत्यादि इत्यादि वाद्य यंत्र हुआ करते हैं। इसमें पुरुष वर्ग ही ज़्यादा नृत्य में भाग लेते हैं, लेकिन महिलाओं के भेष में भी दो चार पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्यांगना के रूप में नृत्य करती हैं। सरगुजा जिले में घसिया जाति के लोगों का नृत्य का विशेष महत्व है, खासकर शादी ब्याह के अवसर पर, शुभ अवसरों पर, अतिथि सत्कार में, सामाजिक कार्यक्रम में आदि, इन अवसरों पर इस बाजा का उपयोग किया जाता है। यद्यपि आज सामाजिक बंधन के कारण इन जातियों का नृत्य कुछ कम होते जा रहा है, लेकिन दूसरे रूप में अतिथि सत्कार और राजनीतिकरण होने के कारण इनका सामाजिक दृष्टि से इस बाजा का महत्व बढ़ते गया है। आज कोई भी जिला स्तर पर कार्यक्रम होता हो, या कोई मंत्री आता हो, या राज्य स्तर पर जो भी कार्यक्रम हुआ हो, चाहे राज्य स्थापना दिवस हो, चाहे शहीद वीर नारायण हुआ हो, या और लोक कला परिषद का कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें घसिया बाजा भी हमारा सरगुजा जिला से जाता है। सरगुजा जिला में इसमें ख्याति प्राप्त नर्तक दल प्रमुख हैं आलिक राम, जो ग्राम सपना अंबिकापुर ब्लॉक में पड़ता है के रहने वाले हैं, और इनके साथ इनके 20 जने का सदस्य है जो अविभाजित मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं। जी धन्यवाद। तो जी को थोड़ा सा